how you stretch your legs. विद्युत जम्बाल ने दिया अपने फैनों को तोहफा। जी हाँ, आपको बता दूं उनकी अपकमिंग फिल्म यानी कि सनक अब डायरेक्ट रिलीज होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, ना ही सिनेमा घर में, सीधी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपके घर के द्वार। अब किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज होगी और कब किस समय की जाएगी, ये सब जानने के लिए तो आपको वीडियो को पूरा देखना हो, तो उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे आप लोग, आप सबका स्वागत है यार आपके अपने चैनल में। भाई हम आपके लिए ऐसी फिल्म भरी अपडेट लाते ही रहते हैं, तो जिसको भी हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं करते। तो बात कर लेते हैं भाई सनक की। तो आपको बता दें सनक जो कि विद्युत जामवाल की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके अंदर विद्युत जामवाल फिर से एक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें इस फिल्म के अंदर आपको ना रुक्मणी मेहत्रा भी नजर आएंगी और साथ ही में आपको नजर आने वाली है नेहा धूपिया भी। अब इस फिल्म को सीधा का सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उतार दिया गया है। आपको बता दें इस फिल्म को अब रिलीज जो किया जाना है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया जाएगा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने ये अनाउंसमेंट कर दी है और इसकी अभी तक रिलीज डेट तो नहीं आई है, लेकिन कुछ ऐसा कहा है विद्युत जामवाल ने, आप खुद ही देख लीजिए। विद्युत जामवाल ने देखो क्या लिख दिया, लिखा है मैंने सुना है सनक कुछ भी करा सकती है और प्यार में सनखी बना सकती है। जी हाँ, आपको बता दें अब ये मेरी सनक करेगी सारी हदें पार, माई अपकमिंग थ्रिलर अब समीन सून ऑन डिज्नी प्लस हॉट स्टार। तो भाई कुछ इस प्रकार से विद्युत जामवाल अपने फैनों को दिया है तोहफा। और ये फिल्म भाई जैसे ही रिलीज होगी, जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट होगी ऑफिशियली रिलीज डेट की, वैसे ही हम आपको अपडेट दे देंगे। लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको बता दें इस फिल्म को ना अक्टूबर में ही इसकी रिलीज डेट आ जाएगी और आपको बता भी दी जाएगी। आपको बताएं इस फिल्म को ज़्यादा इंतजार नहीं कराया जाएगा, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई फिल्म ज़्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कराती और जल्द आ जाती है, क्योंकि उसे सिनेमाघरों में जो रील वगैरह बांटने में टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप जरूर बताइए कमेंट करके किस किस को विद्युत जामवाल पसंद है और किस किस को उनकी फिल्मों का इंतजार रहता है। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें कि नेक्स्ट अपडेट हम कौन सी फिल्म की लेकर आएँ जिसका आपको काफ़ी बेसब्री से इंतजार है, तो हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे।